नमस्कार, भोपाल का BRTS बंद हो रहा है, वहीं इंदौर के BRTS कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यहां चल रही आई बसों को हटाकर ई बसें चलाने की तैयारी है। कॉरिडोर के लिए 20 बसें इंदौर आ गई हैं, जल्द ही और 10 बसें और आ जाएगी और फिर संचालन शुरू हो जाएगा। बस के यात्रियों के मनोरंजन के लिए AICTSL अलग से अटल रेडियो भी लॉन्च करने जा रहा है। BRTS कॉरिडोर के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई है, सभी के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जल्द ही 10 बसें और मिल जाएंगी। बसों और सिटी बस स्टॉप पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए जल्द अटल रेडियो भी शुरू किया जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में प्रमुख 6 शहरों में PPP मॉडल पर 552 ई बसें यानी इलेक्ट्रॉनिक बसें संचालित करने का फैसला हुआ है। इंदौर में AICTSL ने पहले से ही 80 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की प्लानिंग की है। CEO मनोज पाठक के मुताबिक 20 इलेक्ट्रिक बसें कंपनी ने इंदौर पहुंचा दी है, इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही 10 बसें और मिल जाएंगी। BRTS कॉरिडोर पर 20 मीटर की 30 बसें चलाने की परियोजना है। वहीं इलेक्ट्रिक बसें और आने के बाद BRTS से पुरानी बसों को हटाया जाएगा, जिससे यह ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। इसके अलावा 50 बसें 9 मीटर की आएंगी, जिन्हें अन्य रूटों पर चलाया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर शहर को कितनी बसें मिलेंगी यह भी साफ नहीं है। वहीं AICTSL साथ ही सिटी बस, आई बसों तथा बस स्टॉप पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए अटल रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला है। रेडियो स्टेशन की तैयारी हो गई है, जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।